नमस्कार, मैं मानसी धामने। स्वागत है आप सबका हमारे शहर उल्लासनगर की इंस्टेंट खबरें यानी कि क्लासिक 24 ऑनलाइन टीवी चैनल पर। आगे बढ़ते और नजर डालते हैं हमारे शहर उल्लासनगर की कुछ मुख्य खबरों पर। उल्लासनगर दो खेमानी परिसर स्थित यात्री निवास के पास नेहा मिर्चंदानी नामक युवती हुई रोड हादसे का शिकार। दुख की बात तो ये है, घटना स्थल पर ही ये युवती की मृत्यु घोषित की गई। उल्लासनगर 3 स्थित नव दुर्गा जन कल्याण मित्र मंडल द्वारा मां काली जी के दरबार में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। हमारे मध्य प्रदेश की परंपरा है जो हमारे मध्य प्रदेश में होती है, मैहर में शारदा माता और हमारे मारतंडगंज नव दुर्गा उत्सव समिति की तरफ से हमारे गांव से व्यवहारी क्षेत्र से आए हुए हैं सभी कलाकार। ये माता के ये हमारे कारपोरेटर हैं चिरंजीव लाल चेंचलानी जी और मुन्ना खटीक जी, स्वामी दीन गुप्ता जी और ऐसे बहुत से लोग हैं। 30-35 लोग की टीम आई हुई है, यह हमारे यहाँ परंपरा आई है तो ये वहाँ से मैं बुलवाया हूँ यहाँ अपने उल्लासनगर वासियों के लिए कि हमारे यहाँ ऐसे माता का कार्यक्रम होता है तो एक तरह से हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि माता के द्वार में ऐसा कार्यक्रम होता है तो आप लोग भी जानो और उनको पहचानो कि भाई ये ऐसा कार्यक्रम भी होता है माता के दरबार में मैहर में पूरे मध्य प्रदेश में। तो इसके लिए ये टीम आई है और उनको मैं बुलाया हूँ भारतीय अपना नव दुर्गा जन कल्याण मित्र मंडल की तरफ से। हमारा जो राजकुमार पटवारी जी हैं वो अध्यक्ष हैं और उन्हीं की तरफ से ये टीम पूरी आई है और हमारा पूरा मंडल पूरा सक्रिय है और जो हमारी टीम आई हुई है एमपी से वो भी पूरी सब साथ में है। पूरे उल्लासनगर में ये कार्यक्रम हो रहा है और पूरे शहरवासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और हमारी महिला मंडल जो है जो हमारी कलशा लिए हुई है नवरात्र का उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी जो टीम आई है दर्शक यहाँ के उल्लासनगर के सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और हमारे शहर को हमारे जो यहाँ के नेतागण हैं भक्तगण हैं सभी को सुख शांति हो। जय माता की। मैं चिरंजीव लाल चंचलानी कारपोरेटर एमपी से हूँ और ये हमारे यहाँ का कल्चर विंध्य क्षेत्र का है कि इस नवरात्रि के टाइम पे चाहे वो ये शारदीय नवरात्रि जो अक्टूबर नवम्बर में होती हैं या चैत्र नवरात्रि जो मार्च अप्रैल में होती हैं उस समय ये काली नृत्य का बड़ा महत्व रहता है और धूमधाम से चैत्र नवरात्रि में काली नृत्य को हम लोग मनाते हैं और उसी को देखते हुए यहाँ के मुंबई निवासी बहुत लोग से हमारे बच्चन भाई उन्होंने हम लोगों को आमंत्रित किया जिससे हम लोग मारतनगंज नव दुर्गा उत्सव समिति के सदस्य मेरे साथ जो हमारे अग्रज भैया स्वामी दीन जी, हमारे चाचा भारत लाल वर्मन जी, हमारे साथी कारपोरेटर मुन्ना लाल खटिक जी, हमारे सहयोगी अनिल हलवाई जी, मुन्ना लाल रजक जी एवं अन्य बहुत से सहयोगी हैं, बाबूलाल जी हैं, राजेश साकेत हैं, महावीर हैं, बहुत से 30-35 लोगों की टीम यहाँ 3 दिन का कार्यक्रम दिया गया है और इसके साथ मैं बुलाने वाले पूरी कमेटी को का आभारी हूँ और मैंने इनसे वादा भी किया कि ये जब चाहेंगे बुलाएंगे तो हम बराबर आएंगे और ये विश्व कल्याण के लिए सुख शांति के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। इसी के साथ जय हिंद, जय माता, जय भारत, जय हिंद। उल्लासनगर महानगर पालिका के साथ महिला व बाल कल्याण समिति द्वारा
कई विकलांग लोगों को जरूरतमंद चीजें दिए गई, आइए देखते हैं। उल्हासनगर महानगर पालिकेच्या माध्यमातून प्रभाग समिति 3 च्या अंतर्गत येणाऱ्या अंध अपंग व कर्णबधिर लोकांसाठी साहित्य वाटपाचा कार्यक्रम ठेवला होता। महिला बाल कल्याण समितीच्या माध्यमातून या प्रभाग समितीच्या अंतर्गत येणारे जेवढे हे अंध अपंग किंवा कर्णबधिर असतील त्यांना सायकल चष्मा आणि काठी असा वाटपाचा कार्यक्रम प्रभाग समिति सभापति वसुधा बोडारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमचे प्रभाग समिति सभापति कुमावत आणि आरोग्य अधिकारी डॉक्टर रिजवानी यांच्या उपस्थितीमध्ये यांना सायकल ज्यांना जे वयस्कर आहेत त्यांना स्टिक म्हणजे काठी आणि चष्मे आणि श्रवण यंत्र अशा प्रकारचं वाटप या ठिकाणी आयोजित केलेले आहे। उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून म्हणजे तळागाळातील आणि जे जे दुर्लक्षित घटक आहेत त्यांच्याकडे सुद्धा जाणीवपूर्वक लक्ष देऊन त्यांना सुद्धा सर्वसामान्यांच्या लेवलला कसं आणता येईल त्यासाठी केलेला हा प्रयत्न आहे। मी आयुक्त महापौर आणि महिला बालकल्याण समितीचे सभापती आणि सर्व ज्या समितीमध्ये सदस्य आहेत त्यांचं हार्दिक अभिनंदन करतो, कौतुक करतो की जे दुर्लक्षित घटक आहेत ते दुर्लक्षित न राहता ते मुख्य प्रवाहामध्ये कसं येतील त्यासाठी हा केलेला प्रयत्न, त्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा। आणि या महापालिकेच्या सहाय्याने मला खात्री आहे की हे जे अपंग झाले आहेत ते सुद्धा तुमच्या आमच्यासारखे चांगल्या प्रकारे काम करू शकतील, स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकतील, स्वतःचा व्यवसाय करू शकतील किंवा त्या कामापर्यंत पोहोचू शकतील त्यासाठी सायकल वाटप केलेली आहे, त्याचा त्यांनी फायदा घ्यावा। धन्यवाद। जय जय महाराष्ट्र। सर्वांचा मी आभारी आहे, त्यांनी मला अपंगांना सायकल देऊन आमचं जीवन चांगलं बनवलेलं आहे, त्याकरता आबांचे मी खास आभार मानतो, कारण त्यांची अशीच कृपा सर्वांवर राहावी ही माझी त्यांना नम्र विनंती आहे। उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या अपंग कल्याण निधी अंतर्गत हे जे आज अपंगांसाठी वाटप केलेलं आहे त्यांच्या 3-चाकी वाहनांचं आणि इतर अपंगांच्या साधनांचं, ते प्रशासकीय कामकाजाची प्रमुख म्हणून माननीय आयुक्तांच्या वतीनं माननीय सभापती, माननीय महापौर, माननीय उपायुक्त, माननीय उपमहापौर या सगळ्यांच्याच वतीनं हे नियमानुसार सर्वांसाठी सर्व अपंग व्यक्तींसाठी जे लाभार्थी आहेत त्यांच्यासाठी केलेलं आहे। उल्हासनगरवासियांसाठी फक्त मी एकच निवेदन इथे नम्रपणे करू इच्छिते की जास्तीत जास्त लाभार्थींनी या सगळ्या गोष्टीमध्ये आपली नावं नोंदवून सहभाग घ्यावा, जेणेकरून आम्हाला संपूर्ण नियमांचं काटेकोर पालन करून लाभार्थ्यांपर्यंत ह्या योजनेचा हे लाभ पोहोचवता येईल। धन्यवाद। उल्हासनगर से सटे अंबरनाथ में पिछले दिनों जोन 4 के डीसीपी द्वारा 7 लोगों को कहीं देसी हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है ये लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे लेकिन नाकामयाब रहे। आइए इस बारे में बात करते हैं जोन 4 के डीसीपी से। नौ तारीख को हमें एक इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली थी कि अमरनाथ में कुछ बम्बई के शातिर गुनेगार हथियारों के साथ कुछ कार्रवाई करने के लिए, लूटपाट करने के लिए आने वाले, ऐसे इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी। तो हमारे जोन में एक एंटी चेन स्नैचिंग एंड एंटी मोटर व्हीकल थेफ्ट एक स्क्वाड किया गया है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन उनको मिली थी। फिर वो स्क्वाड और शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन ये दोनों ने मिलकर संयुक्त रीतिया कार्रवाई की। उसमें रात के 8:30 बजे करीब 7 संशयित लोग थे, उनको अरेस्ट किया गया। तो उनके पास से एक देशी बनावटी का पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, दो वेपन सुरे, रस्सी, मिर्ची की पाउडर वगैरह ये सब सामान मिला है। और उनसे पूछताछ करने पर वो वहाँ के अमरनाथ में एक स्टील फैक्ट्री में डकैती डालने के लिए आए गए थे, ये निष्पन्न हुआ है। यह अभी तक उनमें से कुछ लोगों पे 2 घरफोड़ी की गुने बम्बई में दाखिल है, ये अभी तक ये पता चला है, और भी कुछ गुने होंगे इसके हम लोग अभी वी आर वेरीफाइंग दैट। इनके नाम जो है एक बबलू उर्फ रियाज अहमद जलील खान,
शिवकुमार करण धुरीरा, बबलू उर्फ महेंद्र राय चौरसिया, शंकर राम जन्म यादव, हुसैन उर्फ लड्डन समीन अली सैयद, गोविंद राधेश्याम चौरसिया और रतन बोधाजी पटेल, ये सब बेसिकली मोस्टली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन बम्बई में रहते हैं। तो बम्बई में कांदिवली, फिर कांदिवली शिवड़ी ये एरिया से, अंधेरी ये एरिया से रहने वाले हैं। हमारे शहर उल्लासनगर के इंस्टेंट खबरों में बस आज के लिए इतना ही। अगर आप कोई खबर हम तक पहुंचाना चाहते हो तो आप हमसे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए क्लासिक 24 ऑनलाइन टीवी चैनल। धन्यवाद।